हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमन, आप देख रहे हैं कार म्यूटर्स। हमारे पास है किया कैरेंस जो आई है चंडीगढ़ से, और भैया आए थे हमारे पास। तो भैया सुबह आ गए थे, भैया कैसा रहा पूरा आउटपुट? मजा आया नहीं आया? बहुत मजा आया, काम देख के बहुत मजा आया। एक्सीलेंट वर्क, बढ़िया मजा आया प्रॉपर। एक बार भैया नाम बता दो। करुणेश गुलाटी, चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से, और भैया भी साथ में आए थे। भैया एक बार आप भी नाम बता दो। अंकित, कैसा लगा भैया काम? बहुत बढ़िया भैया, सही लगा? कोई दिक्कत परेशानी कहीं? कोई 10 out of कोई रेटिंग देनी हो तो क्या दोगे? 10 देंगे भैया, भी 10 देंगे भैया, कंप्लीट 10 वर्क के लिए, कंप्लीट 10। ठीक है, और काम जो है भाई थोड़ा सा डिस्कस करते चलेंगे साथ साथ में। तो यहाँ पे फ्रंट साइड पे आते हैं, तो इसमें तो फिलहाल DRL है और इसमें इंडिकेटर का ऑप्शन भी होता है। तो फ्रंट साइड से अगर पूरी एलिवेशन जो है गाड़ी की वो कुछ इस तरीके की आती है, इंडिकेटर में कुछ ऐसा चलता है और इस साइड से ऐसा चलता है। तो भैया ये प्रीमियम है अपनी? ये भैया प्रेस्टीज मॉडल है मेरा। अच्छा, प्रेस्टीज मॉडल में आता नहीं है DRL। हाँ हाँ, मैंने DRL खुद करवाया है ये, और ये मैट्रिक्स वाला DRL है विद इंडिकेटर्स वर्क करता है प्रॉपर। बाकी नॉर्मल भी है पर मैंने यहाँ से करवाया था, यहाँ पे मुझे मैट्रिक्स डाल के दिया है। ठीक है, एक चीज भैया, जो सुबह से सारी गाड़ी में वायरिंग हुई है तो आपके सामने में कहीं वायर? भैया मेरी प्रॉपर कपलर टू कपलर वायरिंग हुई है, कोई वायर कट नहीं हुई है। सो दैट्स व्हाई मेरी कोई वायरिंग कट नहीं हुई और मेरी कोई वारंटी वॉइड नहीं हुई। चलो ये बढ़िया है। बाकी भैया ने जो अपना प्रेस्टीज प्लस और इसके बीच में जो पैसे बचाए, वो पैसे भैया ने आफ्टर मार्केट एक्सेसरी में लगाए हैं। क्या क्या लगाए हैं वो मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले फ्रंट में तो इसके अंदर हेडलाइट के अंदर LEDs इंस्टॉल करी गई है, ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है इसकी। अभी ऊपर से स्ट्रीट लाइट की लाइट है और यहाँ पे ये पूरी जो है लाइट इतनी है। फॉग लाइट में इसमें लाइट है नहीं, हमने एक बारी लगाई भी थी उसमें तो बहुत कम बेकार है वो। तो फॉग लाइट इतनी बेहतरीन है, अगर अपना बंदा है, अगर पैसे खर्च करने हैं तो हेडलाइट में खर्च कर सकते हैं, प्रोजेक्टर के अंदर। प्रोजेक्टर के साथ प्रोजेक्टर लगवा सकते हैं हेडलाइट में, वो रिकमेंड है। ठीक है, वो चीज़ है, कोई इतनी खर्च करने की जरूरत नहीं है। 22-23 हज़ार रुपये आप फॉग लाइट में 10-15 हज़ार रुपये जो खर्च करना है प्रोजेक्टर हेडलाइट में डलवा सकते हैं। ठीक है, वो रहती है। बाकी लाइट आप लाइट DRL की ब्राइटनेस भी आप लोगों ने देख ली, अभी भी ऐसे भी आपको लग रही होगी कितनी ज़्यादा है। साइड में आते हैं तो अलॉय व्हील अभी इसमें नहीं लगे हैं। बाकी इसमें तो मेरे को ये भी जो डिज़ाइन आता है वो भी काफ़ी सही है, और इस साइड पे जो है फुट स्टेप इंस्टॉल हुई है जिसके मेरे को गाड़ी साफ करने में दिक्कत होती है। ओ, जैसे छत पे चढ़ के तो आप पूरी साफ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे चढ़ नहीं सकते। ठीक है भाई, वेट कितना उठा लेती है ये? वेट दो बंदे का प्रॉपर। ठीक है, अभी तो ये भाई एक है भैया को, मतलब भैया का वेट इजिली हैंडल हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं तो ये क्रोम वैसे कंपनी के लगे हुए हैं, ये भी कंपनी का ही है? ये आफ्टर मार्केट भी मिल जाएगा, दोनों मिल जाएगा। ठीक है, कंपनी का भी और आफ्टर मार्केट भी। विंडो गार्निश भाई क्या है ये? ये भी मिल जाएगा अपने पास, जो कंपनी से लगा के देते हैं अपने पास। ये भी कंपनी से लग के आया? ठीक है, अच्छा ये हमने लगाया। ठीक है, तो ये लगाया, ये भी लगाया, ये भी लगाया। ठीक है, तो ये अपना 6 पीस के अंदर है, 1, 2 और वो वाला तीसरा, और ये भी 6 पीस के अंदर है। ये अंदर कैच वाला, ये कंपनी से लग के आया। ठीक है, दोनों कंपनी से लग के आया। पीछे दिखाओ भाई, पीछे क्या करा है इसमें? रूफ रेल कंपनी फिटेड आती है, पीछे कुछ नहीं किया इसमें। सारा जो किया एम्बिएंट लाइटिंग बहुत प्यारी लगी है, एंड स्टील प्लेट्स बहुत प्यारी लगी है इसकी। अंदर की साइड जो है मेजर काम हुआ है, बाकी तो क्रोम व्रोम जितना भी वर्क था वो सारा कंपनी से है। साउंड का काम हुआ जो बढ़िया का पसंद आया, सबसे बढ़िया। ठीक है, चलते हैं अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ चलते हैं तो इससे पहले आप लाइट देख लो थोड़ा सा किस तरीके का लाइट का आउटपुट है। तो लाइट की ब्राइटनेस काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे अंदर की साइड आते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना शुरू करता हूँ क्या क्या इंस्टॉल हुआ है। इंस्टॉलेशन जो हुई है वो हुई है भाई डबल लेयर डैम्पिंग की, इसके अंदर दोनों साइड पे सिल्वर वाली डैम्पिंग करी है। डबल लेयर कंपोनेंट्स यूज़ करे गए हैं, JBL GTO, इसके अंदर GTO 609C कंपोनेंट, और बैक साइड के डोर में भी GTO 609C कंपोनेंट इंस्टॉल हुआ है। नीचे की साइड आते हैं तो यहाँ पे हमारी ग्लॉस ब्लैक कलर के अंदर पूरी की पूरी स्कफ प्लेट इंस्टॉल करी गई है, जिसके ऊपर कैरेंस की ब्रांडिंग देख पाओगे और ब्राइटनेस भी देख पाओगे किस तरीके की रहती है। जो भी चीज़ इसमें एक्स्ट्रा इंस्टॉल हुई है, इसके लिए कोई भी वायर कटिंग या फिर वायरल पील ऑफ नहीं हुआ है। जितने भी कनेक्शन है वो सारे कपलर्स के अंदर है, कपलर्स के थ्रू है, और स्कॉच लॉक इस वाली गाड़ी में यूज़ नहीं होता, वो बेस मॉडल में सेंटर लॉकिंग के लिए यूज़ होता है, अदरवाइज कहीं यूज़ नहीं करना पड़ता। इस साइड आते हैं तो ऑप्शन रहता है आपके पास इस पर लेदर चढ़ाने का। लेदर में कलर ऑप्शन, सारे कलर अपने पास कैटलॉग होते हैं, कोई भी कलर करवा सकते हो। अब अगर आपको ये डीप पेंट करवाना है तो पूरी दिन के लिए आप गाड़ी दे सकते हो। ठीक है, अगर आपको लेदर से करवाना है इंटीरियर तो वो भी हो सकता है। ठीक है, तो वैसे ये वाले का वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ मैं, ये पूरा ग्लॉसी किया था और ये पूरा का पूरा ये वाला ब्लैक वाला पोर्शन हमने ग्लॉसी किया था। चलते हैं एम्बिएंट लाइट की तरफ, तो सबसे पहले आपकी आती है कप होल्डर वाली, फिर इनर हैंडल वाली, फिर अपनी इस साइड पे अगर आप देख पाओगे तो ये वाली एम्बिएंट लाइट है, जो कि लगाने का तरीका होता है। अगर प्रॉपर लगना है तो प्रॉपर, अगर कारीगर से करा तो प्रॉपर तरीके से लगता है। अगर अगर जैसे लोग कहीं से भी करवा लेते हैं तो वो 4 दिन बाद इधर से निकलना लगता है, उधर से निकलने लगता है, तो वो चीज़ बहुत दिक्कत होती है गाड़ी के अंदर। ठीक है, और LCV यूज नहीं किया इसके अंदर। ठीक, लोग LCV यूज कर देते हैं पूरा सिल्वर जो है ना ये वाला। अगर कल को ही आप मूड चेंज होगा अगर हटाने का तो ये LCV का निशान रहेगा ही रहेगा। चलो वो चीज़ है, इस वाले के अंदर जो है सनग्लास होल्डर आएगा साथ है, तो व्हाइट हमने करके दे। ठीक है, इसमें येलो आता है, इसमें भी येलो आता है, फ्री में करके गए। ठीक है, अगर बेस मॉडल में भाई लगाना हो तो क्या रेट रहता है इसका? 3500।
ठीक है, और जो बाकी DRL हेडलाइट की कॉस्टिंग कितनी आ जाती है? उसके अंदर अलग अलग क्वालिटी है, 5500, 6500, 7500, 8500। और LED अगर लगानी हो तो 3500 रुपए से स्टार्ट है। वारंटी रहेगी ना उसकी? एक साल उसकी भी, एक साल की वारंटी। ठीक है, अब चलते हैं भाई। अपना स्पीकर्स मैंने आप लोगों को बता दी, डैम्पिंग बता दी, एम्पलीफायर जो इंस्टॉल हुआ है वो हुआ है हाइपरसोनिक का, लाइट्स भी जल रही है उसके अंदर, आप देख पाओगे। ये मॉन्स्टर इंस्टॉल हुआ है 40.4। कैसा आउटपुट है? बहुत ही जबरदस्त है। कल को आपको डबल वूफर भी, अगर सिंगल वूफर चलाना तो वो चल जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अगली चीज जो हमारी आ जाती है वो आती है सीट्स को लेके। तो यहाँ पे GT लाइन डिजाइन रेडी किया गया अपना सीट्स के अंदर, कुशनिंग के साथ। इसके अंदर एक्स्ट्रा फोमिंग इंस्टॉल हुई है? बिल्कुल, तभी तो देख रहे हो कंफर्ट पूरा है इसके अंदर। ये जो है पूरा अंदर बकेट किया जाता है ताकि लेदर आपका दोबारा बाहर ना निकले। नीचे की साइड फ्लोरिंग करी गई है और ये आएगा 70 मैट इसके अंदर इंस्टॉल करे गए हैं। ये कंपनी का, ईगल कंपनी का, ये भी मिल जाएगा अपने पास। ठीक है, ये मतलब कंपनी से लग के आए थे क्या? हाँ, ये कंपनी ने दिए थे। अच्छा, ठीक है। और इसके स्टीयरिंग रैप हमने देखो। अच्छा, स्टीयरिंग रैप की तरफ भी चलते हैं। बैक साइड की सीट का जो लुक आएगा वो कुछ ऐसा आता है। और ये भी पूरे के पूरे फिटेड है प्रॉपर। अब चलता हूँ आपको लेके थर्ड रो की साइड, जहाँ पे आपको थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कैसा। तो ये जो है पूरी की पूरी फिटिंग है इसकी, बहुत बढ़िया तरीके से पूरी फिटिंग करी गई है। बैक साइड की लुक जो है वो कुछ इस तरीके की आएगी। बाकी सामान पड़ा हुआ है थोड़ा सा, ये किया वाले जो है वो तो कंपनी से ही मिलते हैं। ठीक है, सो ये था। अब इधर जो है पीछे की साइड भी आप लोगों को मैट देखने के लिए मिल जाएगा, अभी कंपनी का। सारी चीज़ें ऐसी है, इसमें भी आपको एक इधर मिलेगी एम्बिएंट लाइट, एक एम्बिएंट लाइट इधर दी गई है, एक इधर दी गई है। कितने पीस वाली थी ये? 18 पीस प्रोजेक्टर वाली है। अपने पास सारी मिल जाएगी 2500 रुपये से स्टार्टिंग एम्बिएंट लाइट, 15-25 हज़ार तक है। ठीक है, वो चीज़ है। अब चलते हैं, एक बार ये साउंड आउटपुट आप लोगों को सुनाता हूँ किस तरीके का इस गाड़ी में रहने वाला है, क्योंकि साउंड काफ़ी बढ़िया है। भैया पहले प्लान कर रहे थे बेस ट्यूब के लिए भी, और फिर बट इसमें जो है बूफर में जगह, डिग्गी में जगह नहीं है, तो बेस फिर भैया ने कैंसिल कर दी कि अभी नहीं लगाएंगे। भैया मैंने इसमें लगवाया है JBL का GTO सीरीज, पर बहुत प्यारी सीरीज और वॉइस बहुत प्यारी है। और भैया को मन भी बोलता है। अभी थोड़े से लोग भाई बाहर सो रहे हैं इसलिए आवाज कम ही सुना रहा हूँ। तो बेस के हिसाब से तो मेरे को लग नहीं रहा कि इतनी आपको भी फील हो रही होगी कि जरूरत है बेस लगाने की। नहीं, इसमें बेस लगाने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि यार आपने फालतू में अगर लगवानी है, अपना पैसा स्पेंड करना है, अपने कम मनी स्पेंड कर सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग उसका एक अलग मजा है। अगर उसका वो देखो, अगर जिसने डूम डूम सुननी है, अगर साउंड ऐसा चाहिए तो आप लगवा सकते हो, वो भी आपके लिए अच्छी बात है। बट इसमें अगर वैसे अगर आप नॉर्मल म्यूजिक सुनना प्रेफर करते हो तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा इनफ है, ये बहुत सही है, कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो ये था भैया की तरफ से रिव्यू। इस तरफ स्टीयरिंग जो है ये रेड ब्लैक में टच में दिया गया, नीचे रेड है ऊपर ब्लैक है। और स्टिचिंग इसमें भी जो है पूरी ओरिजिनल वाली स्टिचिंग करी गई है और पूरा का पूरा अंदर से इंटैक्ट है। स्टीयरिंग कंट्रोल इस वाले मॉडल में आते हैं और स्टीरियो भी इस वाले मॉडल में आता है। इस वाले स्टीरियो में एम्पलीफायर कनेक्शन करने के लिए पीछे एक हाइलो लगता है, बाकी RC केबल्स लगती है। वायरिंग आपको कोई दिखेगी नहीं, क्योंकि जितनी भी वायरिंग है सारी इसके नीचे से हिडन रहती है। और यहां से जो है फिर आती है, और ये नीचे की साइड अपनी RC केबल, और इस साइड जो है अपनी वायरिंग रखी हुई है, मतलब लगाई गई है। जो भी वायरिंग वो सारी हमारी इस साइड से आ रखी है, तो जितनी भी वायरिंग है वो सारी की सारी लगाई जाती है। बाकी सीट के कपलर्स का ध्यान रखा जाता है कि कल को सीट की जो वार्निंग लाइट्स है वो सब ना जले। बाकी ओवरऑल मैंने पूरी गाड़ी आप लोगों को दिखा दी है। वीडियो पसंद में आई है मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब शेयर। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। अगर आप लोग काम कराना चाहते हो तो नंबर आपकी स्क्रीन पर है, डिटेल्स भी है, और पूरी गाड़ी कैसी लगी वो भी ज़रूर कमेंट करके बताएं। और कमेंट अच्छे अच्छे करना ताकि भैया भी अगर पढ़ें वीडियो देखें तो उनको लगे कि हाँ भाई काम जो है भैया भैया ने बढ़िया कराया और उसमें जो है थोड़ा सा भैया को मज़ा आया। तो ये थी बाकी, ये वायरिंग किट इसके अंदर इंस्टॉल करी थी, ये भी मैं दिखा देता हूँ। ऑडियो सीरीज की थी 8 गेज की, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, मेरी गाड़ी में भी लगाई है मैंने। तो ये था बाकी भाई, काम में मज़ा आया एक बार ही भाई ना, कस्टमर का भाई ने खूब मज़ा दिया। अच्छा, खूब मज़ा ने से काम किया गाड़ी। चलो, बोलने की जरूरत नहीं पड़ी भाई को। कैसा लगा भाई? एक बार ऐसे कर दो, बहुत अच्छा काम किया। रिव्यू तो स्टार्टिंग में दे दिया, ऐसे कर दो। ठीक है भैया, थैंक यू भैया।